मम्मी तो ब्लॉग को भी इतना सीरियस होके देखती है, पता नहीं परसों भाभी क्या बोल रही थी। क्या बोल रही थी? मम्मी मम्मी ने हॉट हुई वो। सो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं मैं और कायना, और हम दोनों ने सुबह सुबह नहा धो लिया है और कायना की तेल मालिश हो गई, इसकी दादी ने इसकी तेल मालिश कर दी है, और अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं विटामिन डी और हम लोग सेक रहे हैं सुबह सुबह की धूप। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। सो अभी मैं कायना को लेके आई हूँ और आज से मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही व्लॉग बनाए, क्योंकि इसके साथ मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ बिल्कुल भी। और शिवांश की तबीयत के बारे में एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगी। शिवांश अब थोड़ा सा ठीक है और हमसे वीडियो कॉल में बात हुई है उसकी। और एक अपडेट छोटा सा मौसम का, तो मौसम अच्छा खासा, आज धूप खिल चुकी है और हम लोग सेक रहे हैं मस्त वाली धूप। तो कुछ दिन से सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग कायनों से भी आप लोगों को नहीं मिला पा रहे थे, बट अब हम लोगों ने सोचा है कि कभी कभी इसको भी दिखा दिया करेंगे व्लॉग में, क्योंकि आज 17 दिन की हो गई है और 17 दिन में कितनी बड़ी हुई है। आप लोग देखिए इसको, इसके छोटे छोटे से हाथ इतने लंबे हो गए हैं और ये छोटा सा मुंह इसका, जो कि धूप की वजह से मैंने ढक रखा है, और छोटे से पैर, थोड़ी हाइट बड़ी है क्या इसकी। और देखो कैसे सोई है, मस्त धूप ले रही है और सो रही है। इसकी दादी ने इसको नहलाया है और इसकी मालिश की है, तो इसको इतना मजा आ रहा है ना अभी धूप धूप सेकने में। और माई सोच रहे हैं कि इसका एक सेपरेट चैनल बनाया जाए जिसमें इसकी वीडियो क्लिप्स होंगी और शायद आवाज माई की रहेगी, तो देखते हैं उस बारे में विचार चल रहा है हमारा। रोज तो नहीं आएंगी इसकी वीडियोस, बट महीने में 2-3 वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे, और जब भी हम लोग चैनल बनाएंगे ना तो आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करेंगे और लिंक देंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना कायना के चैनल को, है ना कायना, है ना। देखो कैसे सो रही है, मस्त सो रही है एकदम। तो स्नेहा कर रही है अपने काम, छुटुर पुटुर काम निपटा रही है, और ये देखिए इसको दे दिया है मुझे। अब इसे मुझे संभालना है, मैंने तो हाथ मुंह तक नहीं धोया है, नहाना धोना था। तो स्नेहा ने बोला कि थोड़ी देर इसको पकड़ो, अब मैंने संभाल रखा है, ज़्यादा जोर से भी नहीं बोल सकता, उठ गई तो फिर दिक्कत करेगी। और इसकी कुछ अच्छी आदत बताता हूँ, इसकी अच्छी आदत ये है, अगर इसको दूध मिल जाए उसके बाद ये मस्त सो जाती है, किसी को परेशान नहीं करती। उसके बाद ये दोबारा तभी उठती है जब इसको दोबारा भूख लगती है, बीच में इसको हिलाओ डुलाओ तब भी ये कमी मतलब नहीं करती है उतना परेशान। बाकी इसकी बुरी आदत क्या है, बुरी आदत एक इसकी ये है, इसके लिए झूला लाए थे मस्त इसके नानी लोग, लेकिन ये झूले पे मतलब जा ही नहीं रही है, झूले पे जाना मतलब हल्ला कर देना पूरा, मतलब ज़ोर से चिल्ला जा रही है, तो झूला इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो घर से फ्री होके काफ़ी दिनों के बाद एक छोटी सी हिंदी वर्सेस पहाड़ी वाली रील बनाने निकल गया हूँ। रील देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी आईडी का, बाकी आप माही ब्लॉगर सर्च भी कर सकते हैं। ये बंदरों के भी दर्शन हो गए हैं, दिख रहा है आपको, ये देखिए आजकल हमारे यहाँ ना काफ़ी सारे बंदर हो गए हैं, पहले बंदर नहीं होते थे हमारी साइड, इस साइड मतलब कम आते थे, लेकिन एक दो नीचे हैं, दो यहाँ पे घूम रहे हैं, मेरे को तो डर भी लगती है इनसे। निकल लेता हूँ पतली गली से क्योंकि बंदर हैं ज़्यादा और मैं हूँ अकेला, पता चले पूरे ग्रुप ने मेरे पे हमला कर दिया, इसलिए पतली गली से मंदिर के रास्ते जा रहा हूँ आज मैं यहाँ से। यहाँ पे ना हमारे यहाँ का सैम देवता का मंदिर है। इसकी सब्जी किस किसने खाई है ज़रूर बताना, मैंने आज तक नहीं खाई है, लेकिन बोलते हैं कि इसकी सब्जी बहुत मस्त होती है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं तिमुल, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो नहीं पता, आप लोग ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं, और इसकी सब्ज़ी क्या आपने खाई है क्या, और कैसे बनती है अगर बता दो तो। आजकल थोड़ी सी टाइम की कमी होने के कारण और नेट की दिक्कत होने के कारण आज अपने सारे व्लॉग देखे जा रहे हैं, मम्मी को दिखा रही है स्नेहा पुराने व्लॉग, और मम्मी वैसे देखते रहती है लेकिन पापा गए हुए हैं हल्द्वानी, तो इस वजह से मम्मी भी नहीं देख पा रही है। दिखा दो, ये कल का ही व्लॉग है, कल का व्लॉग चल रहा है।
मारे नहीं उसने मुझे, चुम्मी ने तीन बार मारी मुझे, मम्मी तो ब्लॉग को भी इतना सीरियस होके देखती है पता नहीं। परसों भाभी क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? मम्मी ने होंठ वही बोल बचा रखे हैं। तुम ब्लॉग देखनी है ना भाभी? बन मम्मी को देखते न्यावर, मम्मी ने होंठ वही पहुंचा रखे है ब्लॉग। हंसते हंसते वो नीचे नीचे हो गई थी वहीं पे, मैं नहीं हंस रही। ये देखिए आज मम्मी ने आलू निकाले हैं, छोटे से खेत से निकाले हैं तो कमी है ये, तो हमारे यहाँ आलू भी हो जाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। आज आलू की सब्जी बनाएंगे हम, घर के आलू। मम्मी बोल रही थी कि जब जिस टाइम पे मैं नीचे आलू निकाल रही थी खेत में, उस टाइम पे आया क्यों नहीं, आलू निकाल रही थी तो उस टाइम पे मैं सोया हुआ था, तो मैंने कहा अभी दिखा देता हूँ। आसमान पे काले बादल आ गए हैं और थोड़ा सा बादलों की गड़गड़ाहट भी है, और मम्मी की तैयारी हो रही है घास लाने की। मम्मी ने खेत से आलू निकाले और गाय का दूध निकाला। आप कौन लग रही है तू? घू पाड़ लूँ तो मम्मी जा रही है अभी तालगू, तालगू लग रही है। मम्मी जा रही है तालगू, हमारे खेत हैं, और वहाँ से लाएगी गेहूं के पेड़। इस बार गेहूं बारिश ना होने की वजह से सब खराब हो गए, तो वो सब अब स्नेहा बोल रही है गेहूं के पेड़ नहीं होते हैं, पौधे जो भी पेड़ नहीं होते हैं, बोटे होते हैं, बोट बोट होते हैं बोट। तो गेहूं के बोट ला रही है किसके लिए? गाय भैंस के लिए। और हाँ एक चीज बताना भूल गया आपको, ढाई तीन बजे पापा का कॉल आया था कि शिवांश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। फाइनली शिवांश एकदम ओके ओके घर पे आ गया है, घर पे यानी हल्द्वानी अपने घर पे चले गए हैं। वो लोग दो दिन हॉस्पिटल में रहे और दो तीन दिन घर में उसकी तबीयत खराब रही, और दो तीन दिन घर पे भी उसकी तबीयत काफी खराब रही, तो फाइनली वो रिकवर होके घर पे आ गया है और काफी अच्छा लग रहा है, अब अच्छा फील हो रहा है शिवांश के लिए। वैसे तो थोड़ी देर में लग रहा है काफ़ी बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी पानी आ रखा है, वेस्ट हो जाता है, इस वजह से मम्मी मेरे को ड्यूटी पकड़ा के गई है कि मुझे लहसुन वगैरह में पानी डालना है, लहसुन मेथी पता नहीं क्या है, तो पानी लगा दिया ऊपर से खेत में, अभी डालने जा रहा हूँ। तो घर वाले आलू बॉयल हो चुके हैं और आज सोच रहा हूँ सब्जी मैं ही बना लूँ, क्योंकि मम्मी तो चले गई है घास वास लेने, काफ़ी ज़्यादा गलत टाइम पे चले गई है क्योंकि बारिश के छींटे पड़ रहे, और अभी थोड़ी देर पहले पहुँची होगी वहाँ, पता नहीं मुझे लग रहा है भीग के आएगी, और काफ़ी दूर है तालगू जहाँ आए हैं ना, काफ़ी दूर है। तो आलू मस्त छिल दिए मैंने, आज बनाएंगे हम घर आलू साग, आलू गुटुक। तो काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, आसमान पे काले बादल हैं, और सामने ये दिख रहा है अल्मोड़ा वाला इलाका, अल्मोड़ा नहीं कह सकते इसको, दनिया साइड, ये हमारे सामने दिखता है दनिया साइड वाला इलाका। बाकी ये सामने सुगड़ी और इधर है जिंगल हरड़ा। तो स्नेहा और मैं ना अभी बेबी की रिएक्शन देख रहे हैं, कभी रोने जैसा, कभी हंसने जैसा, कभी एक आंख खोल लिए, कभी दो आंख खोल लिए। देखना अभी कुछ चेंज करेगी ये, अब गुस्सा आ रहा है इसको। ओए ओए, अब बिल्कुल शॉक्ड हो गई है,
निन्नू आ रहा है, निन्नू आ रहा है, ले ले ले, अंगड़ाई अंगड़ाई। ये रोने वाला, अले 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 अले, उतने में ही चुप हो जाएगी। हाँ अब थोड़ा स्माइल भी करो, फिर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हो तो स्माइल भी तो करो, तभी तो हम मानेंगे कि तुम रिएक्शन दे रहे हो करके। अरे मुगा लाल है साले गुन। ये मस्त दूध पी के अब हिचकियाँ ले रही है और नींद में जाने की कोशिश कर रही है, और देखो उंगली कैसे पकड़ी है मेरी। छोड़ दे, अरे छोड़ 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 उंगली छोड़। अब छुड़ाऊंगा अभी, तो छोड़ नहीं रही है, देखो। टाइट पकड़ी है। ओले ले ले, ओले ले ले, छोड़ दे, सो जा फिर, चल उंगली तो छोड़ दे बस। बाय बाय, देखो इधर। पता नहीं यार, किसी को अगर पता है तो बताना, ये दूध पीने के बाद ना इसको ऐसे ही हिचकियाँ आती हैं, ये ओवर फीड कर रही है या क्या कर रही है ये समझ नहीं आ रहा है। तो रात के बज गए हैं 9, और खाना पीना थोड़ा सा आज लेट हो रहा है गांव के हिसाब से। गांव में तो 7, 7:30, 8 बजे खा लेते हैं, 9 बजे खा रहे हैं हम। और जैसा कि आपको बताया ही था मैंने, आलू की सब्जी आज मैंने बनाया है, तो बनाई है बनाई है, बनाया है तो मम्मी और स्नेहा से हम रिव्यू लेंगे आलू की। अच्छा तू तो मेरे से नहीं ले सकते, मैं नहीं स्नेहा खाती आलू की स्नेहा सब्जी। के लिए बनी हुई है करेली की सब्जी, और मम्मी चिकनी से। तो मम्मी मेरी करेली की सब्जी जो कैसे मैंने रे, कस हैरान आलू गुटुक। आलू बुटुक का जरान बता दो मैं सनिया बल्ले लग लाओ खन गए। बड़ा रही तू तो। अरे बने आई बिया क्या भी बियो तो जसा जसे बेले नहीं बियो ना जा संपूर्ण वहीं दिखा हूँ, मैं जा वहीं को दिखा हूँ। बैठो ना कुछ जाओ आलू गुरु बैठो क्रिकेट, जब जब क्रिकेट। हमारे यहाँ क्रिकेट चलता है ना बैतूला में, तो वहाँ जो आलू मिलते हैं जंगल में खाने का जो मजा आता है वो घर में नहीं आ पाता है। तो मम्मी कह रही है कि वैसे बने, वैसे मैंने बताया था उसको ऐसा बोल करके वो वाले नहीं बन पाते हैं, लेकिन घर में इतने स्वादिष्ट होते हैं ना। और वहां जंगल में हम वो घास की तिल्ली जैसे बना के आलू ऐसे खाते थे, उसमें डुबो के, बना मतलब घास की तिल्ली, सूखी तिल्ली ऐसे, के हाँ चम्मच फोक बना के उसका, तो ऐसे यूज करते थे। तो और कुछ आप खाए हो? पहले व्लॉग जरूरी है। अभी गोरे दिख रहे हो आप इसमें, मैं तू गोरे दिख रहे हैं क्योंकि आपका आपका ऊपर ग्लो ज्यादा आ रहा है, आगे आगे बैठे हो ना। हो सकता है और अपने घर में आगे वैसे ही मैं काला हो रहा हूँ। और अपने मुंह के आगे लाइट भी जला के रखी है। नहीं वो तो मैंने खाने के लिए जला के रखी है तो आप बातचीत बहुत है कि आप खा ली मुझसे तो नो। पूछा ही नहीं आपने मेरा बता। हाँ तू भी बता दे तेरा कैसा हो रहा है मेरा सब्जी। मेरी सब्जी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि मैंने खुद ही बनाई है तो मैंने भी तो खुद ही रोटी बनाई, मम्मी मेरे लिए 5 लेके आई है। तो पांच क्या पांच मजा ना है कि नहीं बात तो आज 2-3 खाऊंगी, 2 कछुआ खाऊंगी। तो मैं भी खा लेता हूँ। बाकी बाकी आज की वीडियो 10-11 मिनट तक तो पहुंच ही जाएगी। भैंसा खा, बकरा खा और गुरु खा 10 रुपया चुप है ना हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, काफी टाइम के बाद वीडियो को एंड कर रहे हैं रात में, क्योंकि वीडियो शाम तक ही खत्म हो जाती है मेरी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल सुबह 8 बजे, 8 बजे तो आजकल वीडियो भी नहीं आती, कल सुबह मिलते हैं। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान दीजिए, स्नेहा माई को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय 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 बाय।